हेलो गाइस, वेलकम टू रेशमा ब्लॉग लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। और हम भी अभी काम में तो व्यस्त नहीं हैं, पर अभी तैयार व्यार हो लिए हैं। हम गुमला से अभी आज नहीं कल शाम को घर आए गए हैं, गाँव आ गए हैं वोट देने, क्योंकि वोट देना है। वोट देने के लिए दुकान बंद करके आए हैं। सुबह अभी सबको जा रहे हैं वोट देने, तक गए वोट देखे। सो गाइस, देख सकते हैं हम तैयार हो गए हैं, पूरा साड़ी उड़ी लगा है, भारतीय नारी बन के तैयार। देख सकते हैं हम साड़ी बने पहने हैं और भारतीय नारी बन गए हैं आज। और हम जा रहे हैं अपना शक्ति और वोट देने जा रहे हैं और वोट देके जाएंगे, सरकार बनाएंगे ताकि हम लोग को कुछ रोजगार देगा, कुछ बिजनेस कुछ चाहे कुछ भी अपना सहायता करेगा हम लोग के लिए। इसी सोच के जा रहे हैं कि वोट करें और अच्छी सरकार बने, तो समझ कर वोट दीजिए और अपना सरकार बनाइए ताकि जो भी बने हम लोग के लिए सरकार बने, वो अच्छा काम करे और हम लोग का देश को अच्छा प्रोटेक्ट कर सके और अच्छी से अच्छी जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी काम होता है अच्छे से निभा सके, आम जनता के लिए कुछ सुविधा दे, कुछ लाभ दे ही, उम्मीदवार को जिताइए ताकि अच्छी सरकार बने और हम लोग के लिए लाभ मिले। यही सोच समझ के आप लोग वोट दीजिए। आप लोग भी जाइए, हम लोग भी तैयार हो गए हैं, अभी वोट देने जा रहे हैं गाइस। तो अभी घर में है, गांव ही हम लोग आ गए हैं वोट देने, तो अभी हम लोग जाएंगे वोट देने। तो चलिए बने रहिए और अभी वोट दे के आते हैं, ठीक है? ठीक है, हम लोग वोट देने के लिए आए हुए हैं और बाकी बहुत कोई जो है वोट देकर चले गए और हम लोग दोनों अभी आए हैं फिलहाल वोट देकर जाएंगे दोनों। सेंटर दिखा दो। हे गाइस, तो हम अपने बूथ पर आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं घर के आसपास के नज़ारे, और यहाँ पर सभी स्टाफ आ चुके हैं और हम भी वोट देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गए। और अब हम अंदर जाते हैं बूथ में, क्या हो रहा है क्या नहीं। और यहाँ पर छोटा सा टेंट लगा हुआ है ताकि बहुत ही ज़्यादा चिलचिलाती धूप है, और देख सकते हो कि सारे स्टाफ और जितने मतदान कर्मी हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे गांव के सभी उम्मीदवार जो हैं वोट देने के लिए आए हुए हैं और काफ़ी भीड़ है। और अभी आते ही जा रहे हैं, अभी तो उतना संख्या में नहीं दिखाई दे रहे हैं, और सुबह से ही यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और आते जा रहे हैं और अपना वोट देकर जा रहे हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर नर्सें भी आए हुए हैं, यहाँ पर मेडिकल सुविधा भी दी गई हैं। और अब हम अपने लाइन पर आ चुके हैं, अब थोड़ी देर में वोट चालू हो जाएगी क्योंकि अभी स्टाफ लोग अपने खाना पीना के लिए गए हुए हैं। और देख सकते हो अभी व्हीलचेयर में एक बुजुर्ग आदमी को लाया गया है और इसे वोट के लिए अंदर ले जाया जा रहा है वॉलंटियर द्वारा। तो अभी ये वोट देगा और अब वोट का स्टार्ट हो गया है। लोग अभी लंच करके वापस अपने सीट पर आ चुके हैं, तो हम भी बेसब्री से इंतज़ार में हैं कि हमें कब वोट मिलेगा। और हम भी अभी लाइन पर लगे हुए हैं, पर सबसे पहले अभी बुजुर्ग को अंदर लिया जा रहा है, ये व्हील चेयर में लाया गया क्योंकि वो पूरी तरह से बुजुर्ग। सो फाइनली दोस्तों, हम अपने वोट देकर अब गेट के बाहर आ चुके हैं और देख सकते हो एक बुजुर्ग आदमी को व्हीलचेयर से बाहर ले आया है, ये भी अपने वोट देकर बाहर आए हुए हैं देख सकते हो, क्योंकि ये चल नहीं पाते हैं, पूरी इस अपना उम्र हो चुका है जिसके वजह से ये चल नहीं पाते हैं और इसे व्हीलचेयर में बैठाया गया है। और
और देख सकते हो कितने बुजुर्ग आदमी हैं जो अपने वोट देने के लिए इतना दूर अपने घर से चला आया व्हीलचेयर के सहारे। और इसे देख रहे हो वॉलेंटियर लोग अभी बाहर लेकर आए हुए हैं और अभी ये घर जाएगा अपना। और हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि अभी जो भी सरकार आए इस भारत देश पर वे अधिक से अधिक सुविधा दे और अच्छी लाभ दे इन बुजुर्गों को भी और हम सबको भी सबका अपना लाभ प्रदान करें। तो अब हम चलते हैं घर की ओर। और तो हम आज चुनाव के लिए वोट देकर जा रहे हैं। अभी मम्मी आ रही है। हाँ अलग सो दोस्तों आप चलते हैं अपने घर की ओर। तो आप भी जाइए अपना वोट देकर वापस चले आइए, है ना। तो अब हम चलते हैं अपने घर पर, अभी रास्ते पर हैं। तो मिलते हैं सीधे अपने घर पर और आपसे बात करता हूँ। ओके सो दोस्तों हम वोट दे के आ गए हैं घर और हम वोट दे दिए। देख सकते हैं ये निशानी, वोट का निशानी, ये वोट का निशानी है। हम वोट दे दिए, बहुत ज़्यादा भीड़ था और दे के आ गए। पूरा गर्मी भी लग रहा था, बादल पूरा ढक लिया है, बारिश होने वाली है अभी। तो घर में हम लोग आए बहुत दिन के बाद, तो घर में रोटी खाने मन कर रहा है, तो इसलिए हम ना माला थी माँ चावल बना दिए इसको। तो हम इसको भिंगाने जा रहे हैं, देख सकते हैं। तो इसको रोटी बनाएंगे। और आप लोग वोट दिए कि नहीं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम तो वोट दे दिए, आज अभी देख सकते हैं इसको शाम होगा। अभी रोटी बनाएंगे और कुछ सब्जी बनाएंगे, तो बने रहिए मेरे वीडियो में ना जी। हाँ इसको जरूर दिखाएंगे क्या रोटी बनेगा, उसको अभी सरप्राइज रहेगा ना, सरप्राइज रहेगा क्या रोटी बनाते हैं, लेकिन जरूर बनाएंगे। कुछ रोटी बनाएंगे, छिलका विलका चाहे कुछ भी बनाएंगे। तो बने रही आप लोग, देख सकते हम लोग का बैकग्राउंड, देखिए बादल पूरा ढक गया है, बादल अब बारिश होने वाली है शायद। बादल का गरज सुनाई दे रहा होगा आपको, पर देख सकते हो पूरा बादल ढके हुए हैं, लगातार इधर बारिश हो रही है। फर्स्ट टाइम नहीं आती है, पर सेकंड टाइम आना ही आना है ना बारिश। तो अभी शाम भी होने वाली है, करीब भी 4-5 बजने वाले हैं। और देख सकते हो बादल का गरज, अभी लगता है जोर से बारिश होगी। देख सकते हो मौसम कल ही आया, बहुत ही खतरनाक तरीके से बना रहा है। हे गाइस सो देख सकते हैं हम बना रहे हैं, ये है खपरा रोटी, इसको खपरा रोटी बोलते हैं। कितना सुंदर दिखे बिना दाल का, ये बहुत अच्छा बन रहा है। ये चावल पीसे हैं और इसको खपरा में बना रहे हैं, देख सकते हैं इसमें डाले हैं, देख रहे हैं पक गया है, इसको ढक कर पका रहे हैं ऐसे करके, देख सकते हैं गैस उतार लिए हैं, एकदम मस्त मस्त बन रहा है। और इसमें डाल देंगे अभी खपरा में, बिना तेल का बनाएंगे ऐसे, बिना दाल और तेल का ऐसे मस्त डाल दिए। अब इसके ढक्कन लगा देंगे ऐसे गरम। अरे देख रहे हैं ये है चावल का गुल, एकदम मस्त बन रहा है। तो गैस देख सकते हैं इधर बन गया है, क्या बोलते हैं सब गैस देख सकते हैं, ये बन गया है खपड़ा रोटी देखिए। और इधर चखना, मीट चखना बन रहा है आलू भुजिया के साथ, देख सकते हैं। और इधर हम चढ़ा दिए हैं चिकन, देख सकते हैं देहाती चिकन एंड अभी भूंज रहे हैं, अभी इसे बनाएंगे और खपड़ा रोटी के साथ खाएंगे मजा से, देख सकते हैं बहुत टेस्टी दिख रहा है। कब बनेगा खाएंगे जैसे लग रहा है गाइस, देहाती मुर्गी का है
मुर्गा खा गया, हाथी मुर्गा का है, देख सकते हैं ये कितना अच्छा। अभी इसको बना रहे, भून लेते हैं, फिर इसके बाद उसमें मसाला उसला डाल के बनाएंगे। और थोड़ा ढक देते हैं पकने के लिए। अरे इधर डाल दिए हैं इसको, तो मुँह में नहीं चला पहले। इधर अभी भुंजड़ी बनाएंगे गैस, देख सकते हैं उसके साथ, और खाएंगे मजे से।